जनपद संभल की चंदौसी में सपा की युवा नेत्री मोनी कुमारी ने भाजपा की सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, वादे की प्रतिबद्धता पर खरी नहीं उतरी। जनपद संभल की चंदौसी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम करेला में सपा की युवा नेत्री सपा ने आज किसान चौपाल आयोजित की। इस किसान चौपाल में युवा नेत्री मोनी कुमारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आयोजित की है और युवाओं के लिए बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे आपने उठाए तो क्या कहेंगे? देखिए, ये बीजेपी सरकार है, रोजगार में तो बिल्कुल भी फेल है। युवा भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। ये तो बस झूठ बोलते हैं और बस हम तुमको वेला फुसला करके और वोट ले लेते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं करते हैं। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और घटनाएं महिलाओं के साथ रुकने का नाम ले रही, तो इस बीजेपी सरकार में महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये कहती हैं लेकिन करते नहीं हैं कुछ भी। आप देखिए बदायूं कांड को देखिए, क्योंकि महिला के साथ कितनी बुरी तरीके से दरिंदगी की है बाबाओं ने। सरकार आई है और इसमें कोई किसी भी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और किसी को भी कोई रोजगार नहीं मिल पाया, तो इसमें क्या कहेंगे बेरोजगारी पे? और देखिए, समाजवादी पार्टी आएगी, सभी को रोजगार भी मिलेगा और महंगाई जो है उस पर लगाम लगेगी और जो आम पब्लिक है, जनता है, उसकी सुनी जाएगी। अच्छा, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, अगर मुझे चांस मिलता है पब्लिक में काम करने का, सेवा का मौका मिलता है, तो मैं चाहती हूँ जो भ्रष्टाचार है ये बिल्कुल भी ख़त्म करूँगी चंदौसी के अंदर। चंदौसी विधानसभा की सड़कें हैं, खस्ता हाल है, इन पर क्या कहेंगे? लगातार हम जनता के संपर्क में हैं, जनता को समझा रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें विकास भी नहीं है, युवा परेशान है। अगर एक बार चंदौसी की जनता ने मोनी कुमारी को सेवा का मौका दिया तो सड़कें भी बनेंगी, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जो दलाली भट्टे का ये काम कर रहे हैं बीजेपी में बैठे लोग, इसे भी दूर करने का काम करेंगे। कार्यकर्ता का सम्मान होगा। आज भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है, किसानों का सम्मान नहीं है, लोग दर बदर फिर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग ये जनता की बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। अगर मोनी कुमारी बनती हैं तो सड़कों का काम होगा, बिजली पे बात उठेगी। गरीब महिला जो हमारी 60 साल पेंशन उन्हें मिलती थी, आज हमारी माताएं बहनें परेशान हैं। बीजेपी वालों, अगर देना है तो तुम अटल बिहारी पेंशन के बहाने से दे दो, लेकिन गरीब जनता को तो कुछ दे दो। आपने बहका के जनता का वोट लिया है, तो यही मेरी अपील है। जनता को हम समझा रहे हैं, जाकर गांव-गांव मिल रहे हैं, महिलाओं को समझा रहे हैं। जनता, महिलाएँ कितनी परेशान हैं, महिलाएँ बच्ची बेटियाँ हमारी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगर सरकार समाजवादी पार्टी की आएगी तो महिलाएं भी सुरक्षित होंगी। उन्होंने 100 नंबर का जो देने का काम किया है वो समाजवादी पार्टी ने करा है। बीजेपी के लोग अब अपना जाते हैं, झूठा फीता काटते हैं, ये कुछ अब चलने वाला नहीं है। जनता जागरूक हो गई है, युवा जागरूक हो गया है, तो यही मेरी अपील है। हमें एक बार अगर चंदौसी की जनता सेवा का मौका देती है तो उसके सम्मान में खड़े उतरेंगे। चंदौसी की एक नंबर 1 विधानसभा में पहचान कराने का काम करेंगे।